ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा पर गए एमपी के 3 श्रद्धालुओं का निधन हो गया है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यात्री लगातार परेशान है। चारधाम यात्रा पर एमपी के 3 श्रद्धालुओं का निधन हो गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर के राम गोयल रावत और नीमच की संपत्ति बाई का निधन हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर के राम प्रसाद का भी यमुनोत्री धाम में निधन हो गया है। सीएम ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सीएम ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। साथ ही बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ये नंबर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रद्धालु इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं। साथ ही चारधाम यात्रा पर गए भोपाल के 500 यात्री और भीड़ बढ़ने से 40 से 50 किलोमीटर लंबा जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। कई यात्री बिना दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। लगातार चारधाम यात्रा में इस तरीके की दिक्कतों का श्रद्धालुओं का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री बिना दर्शन करे वापस लौट रहे हैं। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि बिना रजिस्ट्रेशन के श्रद्धालु यात्रा ना करें। वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर जाम लगने से यात्री खासा परेशान नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चारधाम यात्रा पर एमपी के 3 श्रद्धालुओं के निधन की खबर सामने आई है। साथ ही बता दें कि इसमें सागर के राम गोयल रावत, नीमच की संपत्ति बाई भी शामिल है। साथ ही इंदौर के राम प्रसाद का भी यमुनोत्री धाम में निधन हो गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां लगातार चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की भी घोषणा कर दी है। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ये नंबर भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नंबर चारधाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के लिए जारी किया गया है। साथ ही बता दें कि भोपाल के भी 500 यात्री चारधाम यात्रा पर गए हुए हैं।